हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। और ये है इस ड्रेस के साथ की चोली। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी गाइस। इस ड्रेस के पिक मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे दो पिक भेजी थी, दोनों ही लगभग सेम पैटर्न पे ही थी। एक जैसे हमने यहाँ पे देखिए फ्लावर से किया हुआ है, वैसे यहाँ पे पॉम-पॉम से किया था एक पे। तो आप जैसे चाहे उसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। हमने यहाँ पे ये ड्रेस इस मेजरमेंट चार्ट की हेल्प से बनाई है। इस मेजरमेंट चार्ट की क्लियर फोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी गाइस। अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखिए हम 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं। तो 0 नंबर के लिए कमर हमें 3.5 इंच चाहिए। तो जितनी भी कमर चाहिए उतनी ही लंबाई का हम इलास्टिक ले लेंगे। हमने यहाँ पे 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी की कमर दी हुई है, आप इस मेजरमेंट चार्ट से देख सकते हैं। सब में बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। देखिए 3.5, फिर 4, 4.5, 5, ऐसे करके आप मेजर कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इस इलास्टिक को हमें ऐसे सिल लेना है। एक दूसरे के ऊपर हम 1/2 इंच चढ़ा के सिल लेंगे। हमने देखिए इसे सिल लिया है। हमने यहाँ पे नेट का फैब्रिक कट किया है। इसकी लंबाई हमने 6.5 इंच और चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। जैसे जैसे आपके कान्हा जी का नंबर बढ़ता जाता है, आप इसकी लंबाई को 1-1 इंच एक्स्ट्रा करते जाएं और चौड़ाई को 1/2 इंच बढ़ाते जाएं। देखिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल ऐसे इसे डबल करना है। ऐसे करने के बाद इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए ऐसे करके निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे लग जाएगा। अब ऐसे हम दूसरा भी लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये भी लग गया। बस हमें नॉट बनाते जानी है। देखिए ऐसे ये फैब्रिक है, इसे हमें ऐसे बीच से फोल्ड करना है। ये देखिए बीच से एकदम फोल्ड किया। अब यहाँ से अंदर डालेंगे और डालने के बाद इन दोनों को इसी में से हमें ऐसे बाहर निकाल लेना है। बस ये हो गया। ये देखिए ऐसे करके हम सभी पीसेस को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने लगा लिया है। हमने यहाँ पे टोटल 20 पीस लगाए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 6 इंच डायमीटर का एक पेपर कट किया हुआ है। ये देखिए 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें 6 इंच डायमीटर चाहिए। हमने यहाँ पे कट किया है। इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और सुई धागे की हेल्प से साइड साइड से सिल लेंगे। पेपर के साथ हमें सिलना है। अब देखिए हमने सिल दिया। अब इसी पेपर के बराबर हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने अब इसे बना लिया। अब हम फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए हमें ऐसे रोज बनाने हैं, रेड और पिंक दो कलर में हमने बनाए हैं। इसके लिए आपको 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा फैब्रिक चाहिए। इसे ऐसे हम बी से फोल्ड करेंगे। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब हमें यहाँ से रोल करना है इसे। जब हमारा इतना रह जाए तो नीचे से अंगूठे को लगाना है और इसे हमें ऊपर से नीचे कर देना है ऐसे, और इसे रोल करते रहना है। फिर हमें वही करना है।
ये हमारा रोज बन गया है। अब पीछे से हम सुविधाएं की हेल्प से अच्छे से सिल लेंगे ताकि इसकी एक भी लेयर खुले ना। तो चलिए हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने सिल दिया इसे, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसे लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच लंबाई और चौड़ाई का रेड कलर में नेट का फैब्रिक लिया है। इसे हम ऐसे बीच से कट कर देंगे। अब हमें इसे एक बार इधर से फोल्ड करना है, एक बार इधर से करेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसे हमें यहाँ पे ऐसे लगा देना है और इसके ऊपर एक रोज ऐसे लगा के सिल लेंगे। और देखिए एक रेड लगाएंगे, एक पिंक, एक रेड, एक पिंक, ऐसे करके हमें पूरे राउंड पे लगा लेना है। चलिए हम लगा के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सारे फ्लावर लगा लिए और इसे भी लगा लिया पूरे राउंड पे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ बीच बीच में देखिए इस फ्लावर में से लगाया हुआ है और ये सिल्क थ्रेड का बना के लगाया है, और एक हमने ऐसा रोज़ बना के यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है। देखिए आपको ये कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें इसे बनाना होगा, इसे हमने सिल्क थ्रेड से बनाया है। ये देखिए इस धागे को हमने कार्डबोर्ड के ऊपर 100 बार लपेटा है, ये देखिए, और लपेटने के बाद कट करके यहाँ से चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये छोटे छोटे पीस निकालेंगे। ये हम चोली के लिए निकाल रहे हैं, आप इससे भी छोटा कट करके इसके डिजाइनिंग के लिए निकाल लें। देखिए आपको कैसे चिपकाना है, यहाँ से हल्का सा ग्लू लगा के इसे ऐसे चिपका लें। ये बहुत इजीली तुरंत ही चिपक जाएगा। जब यहाँ से फिर चिपका लें तो फिर इसी के इतना लंबा कट करना है हमें। कट करने के बाद फिर हमें चिपका लेना है। ऐसे करके हम इसके 5-6 पीसेस तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे देखिए सारे सिल्क थ्रेड को तैयार कर लिया है। पहले हम ड्रेस को तैयार कर लेते हैं, तब तक हमारा हॉट ग्लू गर्म हो रहा है। हमने यहाँ पे देखिए कुछ सिल्वर कलर में नग लिए हैं, इसे हम यहाँ पे इस पे लगाएंगे। देखिए हमने इस पे चारों साइड से नग लगा दिया। अब हम इसे लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे ऐसे चिपका लेंगे इसे, फिर इस बंच को कट करना है हमें। और ये फ्लावर चलिए ग्लू गन से लगा के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए हमें इसे चिपका लेना है, फिर हम यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इस बंच को लगा लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ऐसे रोज लगा लेंगे, इस पे ग्लू लगा देते हैं थोड़ा। ये हो गया, ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब हम इसे सूखने को रख देंगे, जब सूख जाएगा तो नीचे से पेपर फाड़ के निकाल देंगे। ये बहुत ही सुंदर है गाइस। अब चोली के लिए देखिए आपको क्या करना है, ऐसे लगा लेंगे इन सभी को। यहाँ ऊपर से हमें ग्लू लगा लेना है। और ग्लू लगाने के बाद हम यहाँ पे ये डोरी लगा लेंगे। अब इस पे एक फ्लावर लगा लेते हैं। साथ में एक बंच भी लगा लेंगे कट करके। अब देखिए यहाँ से हमें कट करके इसे बराबर करना होगा। ये हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है।
इसे हमें गोपाल जी के गले में बांध देना है ऐसे करके पीछे से। ये बहुत ही सुंदर लगेगी उनके ऊपर। और हमने यहाँ पे देखिए बैकलेस चोली बनाई है। अगर आपको बैक से भी कवर करना है उनको, तो आप यहाँ पे देखिए हमने 7 पीसेस लगाए हैं इस लटकन के, सिल्क थ्रेड वाली। तो आप 7 की जगह 14 लटकन लगा लें तो डबल हो जाएगी, तो पीछे से भी कवर हो जाएगी। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे ड्रेस बना दी है। अब आपको क्या करना है, इस पेपर को निकाल लेना है। पेपर लगाने की वजह से ही हमारा प्रॉपर अच्छे से शेप आ गया है। आप इसे स्किप ना करें। अब देखिए आपको चोली की लंबाई कैसे लेनी है। हमने यहाँ पे देखिए चोली की जो भी लंबाई दी हुई है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे अगर 3 नंबर के कान्हा जी के लिए हमने देखिए 10 इंच दिया है और हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 इंच आ जाता है। तो हमें अपने चोली की लंबाई 2.5 इंच करनी है। ऐसे करके आप लंबाई मेजर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।